हेलो एवरीवन, जैसा कि जानते हैं कि इंडिया में 5G रोल आउट हो चुकी है और ऐसे में इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी स्मार्टफोन खरीदें तो 5G स्मार्टफोन खरीदें। तो आज इस वीडियो में लेकर आया हूं दोस्तों टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन इन द रेंज ऑफ 30,000 यानी 30,000 के रेंज में कौन कौन से टॉप 5 स्मार्टफोन है। दोस्तों जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ इस तरीके का तो मैं हमेशा 1 to 5 रैंकिंग करता हूँ, बट दोस्तों ऐसा इस वीडियो में नहीं होने वाला, क्योंकि दोस्तों कोई स्मार्टफोन में उसकी कैमरा बहुत ही बढ़िया है, किसी का परफॉर्मेंस बढ़िया है, किसी का बैटरी बैकअप बढ़िया है, किसी का डिजाइन बढ़िया है, तो इस तरीके में दोस्तों ये बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है ओवरऑल। क्योंकि दोस्तों 30,000 के रेंज का जितने भी स्मार्टफोन में उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ओवरऑल बताना बहुत ही मुश्किल है। उसके साथ साथ आपकी भी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि मुझे क्या बेटर कैमरा क्वालिटी वाला स्मार्टफोन चाहिए, या फिर बेटर परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन चाहिए, या फिर बेटर बैटरी बैकअप वाला स्मार्टफोन चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि टॉप 5 स्मार्टफोन कौन कौन से मेरे लिस्ट में आते हैं। बट दोस्तों इसमें भी मैंने एक क्राइटेरिया सेट किया, 6.3 इंच फुल HD डिस्प्ले होनी चाहिए, 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज होनी चाहिए, 4500mAh की बड़ी बैटरी होनी चाहिए, उसके साथ साथ बेटर परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर होना चाहिए, MediaTek, Dimensity या फिर आपका क्वालकम स्नैपड्रैगन, उसके अलावा गुड लुकिंग डिजाइन भी होनी चाहिए, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दोस्तों 40+ मेगापिक्सल का कैमरा क्वालिटी आपको स्मार्टफोन में मिलनी चाहिए। तो ये सारे दोस्तों मेरे क्राइटेरिया। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कौन कौन से स्मार्टफोन मेरे लिस्ट में आते हैं। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं हूं आनंद, आप देख रहे हैं टेक्नान। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों अगर आपको बेटर सेल्फी कैमरा वाला स्मार्टफोन चाहिए, उसके साथ साथ डिसेंट बैटरी बैकअप हो एंड डिसेंट परफॉर्मेंस भी चाहिए, तो उस कंडीशन में आप खरीद सकते हैं दोस्तों वीवो V25 5G। 6.44 इंच फुल HD एमोलेड डिस्प्ले मिलती है जिसमें आपको 64+8+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है, वहीं पे 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। तो इसकी कैमरा क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, स्टेबल इसका कैमरा क्वालिटी है, फोकस आपको रहेगा। 4500mAh की बड़ी बैटरी भी मिलती है, MediaTek Dimensity 900 प्रोसेसर मिलती है, यानी कि डिसेंट प्रोसेसर है दोस्तों। 8GB+128GB स्टोरेज मिलती है, उसके साथ साथ इसमें आप 8GB एक्सटेंड भी कर सकते हैं अपनी रैम को, जिसे आप 27-28,000 के रेंज में खरीद सकते हैं। मैं दोस्तों सारे स्मार्टफोन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जाके आप वहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। अगर आप परफॉर्मेंस प्लस कैमरा वाला स्मार्टफोन देख रहे हैं तो आप खरीद सकते हैं आईकी नियो 6। 6.62 इंच फुल HD एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, इसमें आपको 120Hz का रिफ्रेश भी मिलती है एंड 360Hz का आपको टच सैम्पलिंग रेट भी मिलती है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर है जो कि बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है दोस्तों। 8GB+128GB स्टोरेज के साथ आती है, 64MP का मेन कैमरा, 8MP का वाइड कैमरा एंड 2MP का मैक्रो कैमरा मिलती है, उसके साथ साथ आपको 16MP का सेल्फी कैमरा मिलती है, तो इसका कैमरा क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया है, स्टेबल है। 4700 की बड़ी बैटरी मिलती है, इसमें आपको 80 वाट का फ्लैश चार्जिंग भी मिलती है, तो कुल मिला के बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन परफॉर्मेंस प्लस आपका कैमरा क्वालिटी वाला। अगर आप यूनिक डिजाइन उसके साथ साथ डिसेंट कैमरा तो आप देख सकते हैं दोस्तों नथिंग फोन 1, इसमें आपको ग्लिप्स इंटरफेस देखने को मिलेगा। 6.55 इंच OLED डिस्प्ले मिलती है जिसमें आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट भी मिलती है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G+ प्रोसेसर मिलती है, इसमें आपको 50MP+50MP का रियर कैमरा मिलती है जो कि बहुत ही बढ़िया इसकी कैमरा क्वालिटी है, उसके साथ साथ 16MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। इसमें आपको 4500mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, 33W फास्ट चार्जिंग के साथ आती है, वायरलेस चार्जिंग 15W की आती है, उसके साथ साथ इसमें आपको रिवर्स चार्जिंग 5W की भी आएगी, यानी कि इस फोन से आप किसी दूसरे फोन को भी चार्ज कर सकते हैं। 8GB+128GB स्टोरेज के साथ आती है, ग्लिप्स इंटरफेस के चलते ये बहुत ही यूनिक डिजाइन वाला स्मार्टफोन है जिसे आप 28,000 के रेंज में खरीद सकते हैं। अगर आप बेटर परफॉर्मेंस वाला ब्रांडेड स्मार्टफोन देख रहे हैं तो आप जा सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G। 6.5 इंच फुल HD इन्फिनिटी और सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है जिसमें आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट भी मिलती है, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन ऑक्टा कोर 865 प्रोसेसर, 8GB+128GB के साथ आती है, इसमें आपको ट्रिपल कैमरा मिलती है, 12MP का ड्यूल पिक्सल, 8MP का टेली कैमरा एंड 12MP का वाइड कैमरा, वहीं पे आपको 32MP का सेल्फी कैमरा मिलती है।
एक चीज दोस्तों, इसका कैमरा क्वालिटी में बहुत ही बढ़िया है कि आप 30x स्पेस जूम कर सकते हैं। 4500 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, इसमें आपको 25 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है। उसके साथ साथ दोस्तों ये IP68 वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंस वाला स्मार्टफोन है। तो कुल मिला के दोस्तों बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन जिसे आप 30,000 के रेंज में खरीद सकते हैं। बेटर परफॉर्मेंस वाला ब्रांडेड, उसके साथ साथ स्टेबल कैमरा क्वालिटी वाला एंड डिसेंट बैटरी बैकअप वाला स्मार्टफोन देख रहे हैं तो आप जा सकते हैं दोस्तों OnePlus Note 2T। 6.43 इंच फुल HD एमोलेड डिस्प्ले मिलती है जिसमें आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलता है। गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्टेड है, HDR10+ भी मिलेगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलती है। बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर दोस्तों, मीडियाटेक डायमेंसिटी 1300, 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आती है। इसमें आपको 4500 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है जिसमें आपको 80 वाट का सुपर वॉक फास्ट चार्जिंग चार्जर भी मिलता है, यानी कि क्विकली आपका स्मार्टफोन चार्ज हो जाएगा। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल का मोनो लेंस मिलेगा। उसके साथ साथ 32 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा मिलती है। तो इसका कैमरा क्वालिटी भी बहुत ही स्टेबल है एंड फोकस्ड है। इसमें आपको एलेक्सा का सपोर्ट भी मिलेगा। एक अच्छी खास फीचर दोस्तों, NFC इनेबल आपको इस फोन में मिलेगा। तो कुल मिला के दोस्तों बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन जिसे आप 28,000 के रेंज में खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये 5 स्मार्टफोन बहुत ही बढ़िया है, आप किसी को भी अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार से खरीद सकते हैं। एंड सबका लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जाके आप वहाँ से खरीद सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।